यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। यूक्रेन से भी ज्यादा खून बहने वाला है। यूक्रेन से भी बड़ी तबाही होने वाली है। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच सबसे बड़ी आग भड़क चुकी है और अब इस युद्ध में इतनी लाशें गिरेंगी कि ना पुतिन ने देखी होंगी ना ज़ेलेंस्की ने। इसराइल के टैंक जलाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें इसराइल को सालों साल झटके देती रहेंगी। इसराइल में हजारों रॉकेट से हमले हो रहे हैं। इसराइल के अंदर हमास की ऐसी आग फैली कि कुछ घंटों तक तो समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि अब युद्ध शुरू हो चुका है। इसराइल पर हमास के सरप्राइज हमले से पूरा इसराइल हिल चुका है। यह हमला जमीन के रास्ते हुआ है। कटीले तारों की बाड़ काटकर हमास इसराइल में घुस चुका है। मोटरसाइकिल पर सवार यह हमलावर अचानक यह हमला समंदर के रास्ते हुआ है। हमास की स्पीड बोट इसराइल के किनारों पर हमले के लिए पहुंच रही है। यह हमला आसमान से हुआ है। ग्लाइडर की मदद से हमास का मिलिशिया इसराइल में किसी कमांडो की तरह उतर रहा है। 7 अक्टूबर 2023, ये इसराइल और फिलिस्तीन की तारीख में ऐसा खूनी दिन कहा जाएगा जिसके बाद वर्ल्ड वॉर की बात होने लगी है। हमास के कमांडर ने इस हमले को नाम दिया है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी कह दिया है कि युद्ध शुरू हो चुका है। इसराइल अनाखू बेमिलखमा लो बेमिफ्ता लो बेस्वदीम बेमिलखमा הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. अभी की तस्वीरें क्या है? ये आप इजराइल से आने वाले वीडियो को देखकर समझिए। खून खराबा बहुत ज्यादा होने वाला है। ये युद्ध थमने वाला नहीं। गाजा से लगे इजरायली इलाके जल रहे हैं और अब अगले 24 घंटे बहुत ही गंभीर होने जा रहे हैं। हमले की शुरुआत कैसे हुई ये बहुत गौर से देखिएगा। जो तस्वीरें विचलित कर सकती हैं उन्हें एडिट करके हटा दिया गया है। ये हमास के हमलावर हैं जो 7 अक्टूबर को सुबह सुबह इसराइल के एक मिलिट्री कैंप पर हमला कर दिया। इस दौरान हमास के इस ग्रुप ने ग्लाइडर का भी इस्तेमाल किया और फिर ये उड़ते हुए इसराइल के मिलिट्री कैंप के पास उतरे। ग्लाइडर पर 2 हमलावर सवार हैं और उनके हाथ में है मशीन गन। ऐसे कई ग्लाइडर लॉन्च किए गए और फिर उन्होंने उतरते ही इसराइल के अड्डों पर गोलीबारी शुरू कर दी। ये पिछले 50 वर्षों में इसराइल और फिलिस्तीन के बीच सबसे बड़ा युद्ध कहा जा रहा है। जिस मिलिट्री अड्डे को टारगेट किया गया वहां कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं। इजरायल की पुलिस चीफ ने कहा है कि गाजा पट्टी के पास 21 ऐसी लोकेशन है जहां बड़े हमले हुए हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इस हमले को लेकर पूरी तरह फेल साबित हुई है। हमास की ट्रेनिंग को लेकर मोसाद अनजान रही। हमास की रॉकेट पावर को लेकर मोसाद अनजान रही। एक साथ इतने रॉकेट तैनात कर दिए गए लेकिन मोसाद को भनक तक नहीं लगी। इसराइल पर हमले की एक बड़ी वजह बहुत दिनों से उबाल खा रही थी जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है और इसराइल पर ऐसा हमला किसी भी वक्त हो सकता है। ये बात भी किसी से छुपी नहीं थी। इसराइल पर जो हमला हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह वेस्ट बैंक के रिहायशी इलाकों में इसराइल का सैन्य ऑपरेशन है। पिछले कई दिनों से वेस्ट बैंक जो फिलिस्तीन का पूर्वी हिस्सा है वहां इसराइल की सेना की गतिविधियां बढ़ी हैं। कई फिलिस्तीनी इसराइल की सेना के ऑपरेशन में मारे गए हैं और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। वेस्ट बैंक की बहुत सी जमीन पर सेटलर्स को बसाया गया है और इसे लेकर फिलिस्तीन और इसराइल के बीच तनाव बढ़ता गया। हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में इसराइल की सेना पर जितना बड़ा हमला किया गया उसकी तस्वीरें बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये इसराइल का मरकावा टैंक है जो गाजा से लगे इसराइल के इलाके में खड़ा था और तभी उसको ऐसा टारगेट किया गया कि उसके पर खच्चे उड़ने लगे। हमास के हमलावरों ने इस टैंक को एक हमले में जला दिया। हमास ने अपने हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार करके भी भेजे। हर मोटरसाइकिल पर 2 हमलावर और फिर ये